आगामी विधानसभा चुनाव को शांति एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने पूरे जिले भर में अब हथियार निर्माता और तस्करों, अवैध शराब मादक पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने और इनामी फरारी बदमाशों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया है। उसी अभियान के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अब हथियार के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुख्य तंत्र सक्रिय किया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखर द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें जिला खंडवा के किसी गांव से अत्यधिक मात्रा में अवैध हथियार लेकर दो बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जो अम्बा पोर्स में किसी व्यक्ति को उक्त अवैध हथियार खपाने के लिए देने वाले हैं। वे व्यक्ति आगामी विधानसभा चुनाव में उक्त अवैध हथियारों को बिक्री कर अधिक मात्रा में मुनाफा कमाने की दृष्टि से लेकर आया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आमपुरा रोड पर बीआईपी रोड तिराहा के पास वाहन चेकिंग लगाई। वहां पर दो जवान पुलिस के सिविल ड्रेस में टोल टैक्स मुरैना से आगे भेजे गए। पुलिस जवानों द्वारा दी गई सूचना पर आमपुरा तिराहा पर पुलिस फोर्स की मदद से मोटरसाइकिल पर दो आरोपियों को घेर कर पकड़ा गया। आरपी गणों के कब्जे से 315 बोर की 6 पिस्टल, 315 बोर के 14 देसी कट्टे, 32 बोर के 4 जिंदा राउंड, 315 बोर के 6 जिंदा राउंड, एक मोटरसाइकिल होंडा साइन को जब्त किया गया। जब्त की गई पिस्टल को आरोपी गण खरगोन से 20,000 रुपये में खरीद कर मुरैना जिले में दुगने तिगने दामों पर बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। कुल कितने आरोपी पकड़े गए? देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जगह वरिष्ठ स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे अवैध जो गतिविधियाँ होती हैं उसको प्रभावी कार्रवाई के लिए। इसी तारतम्य में अवैध हथियारों को लेकर जो पुलिस के मुखबिर वगैरह हम लोगों ने लगाए थे, उनके माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ दो लोग हैं जो कि अवैध हथियार लेकर जो खंडवा तरफ से आ रहे हैं उसको इस एरिया में सप्लाई करने का उनका प्लान है। तो पुलिस को जब इसको सूचना मिली, पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और इंफॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए जो कोतवाली पुलिस है इसने आमपुरा रोड पर जो वीआईपी चला है वहाँ पर वाहन चेकिंग लगाई और जो मीडिया बताया गया था उस मीडिया के जब लोग पुलिस को मिले तो उन्होंने जब उनसे चेकिंग करी तो उनके आधार पे दो जो आरोपी थे जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे उनके कब्जे से 6 पिस्टल 32 बोर की मिली, 14 देसी कट्टे 315 बोर के मिले, 32 बोर के 4 जिंदा राउंड और 315 बोर के 6 जिंदा राउंड ये पुलिस को उनसे मिले और पुलिस ने इनको विधिवत जो आर्म्स एक्ट की धाराएँ हैं उसमें विधिवत करते हुए इन पर कार्रवाई की है। इसमें जो आरोपी पकड़े गए इसमें इनका हमने जब पता लगाया तो ये दोनों